मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की अनूपपुर विधानसभा के पूर्व विधायक शबनम मौसी का आज बेलपुर आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के मुद्दे को लेकर जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने जबलपुर में चल रहे असली नकली किन्नर पर भी बयान दिए हैं। अच्छा बोला। और जो अभी जनता की महंगाई, रसोई गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा बोला। इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। अभी आप कब तक रुकेंगे? बस कल चले जाएंगे सर। हाँ, ना भाई साहब मैं शबनम मौसी, पूर्व विधायक, सभी जबलपुर वासियों को सादर प्रणाम करती हूँ और सबकी ईश्वर से मंगल शुभकामना की प्रार्थना करती हूँ। और ये गणेश उत्सव का पर्व सबको बधाई हो, गणेश उत्सव का पर्व की बधाई हो सबको, और भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, यही गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ और आपकी मनोकामना और मंगल कामना करती हूँ आपकी। जबलपुर नगर आगमन हुआ आपका, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो जनता आज दुखों के और कष्टों के भार से गुजर रही है, सबसे पहली बड़ी मार जनता के ऊपर महंगाई की रह गई है, गैस सिलेंडर हो गई, और जितने भी युवा वर्ग के लड़के हैं, ऑफिसर लाइन के लोग हैं, जो वाहन से चलते हैं, उनको पेट्रोल की मार पड़ गई। तो ये सरकार जो है जनता से वसूली कर रही है, जनता से अपनी पूर्ति करके बड़े बड़े काम और बड़े बड़े नाम अपने नाम करवा रही है। ये कोई उचित नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है, इसको कहते लूट, लूट घसूट का काम कर रही है जी। तो ऐसी सरकार को तो जनता खुद ही जवाब देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या इस तरीके से जनता को प्यार से रखना चाहिए, जनता को दिखावा नहीं करना चाहिए कि थोड़े कुछ लोगों को, चंद लोगों को राशन बांट दिया, चंद लोगों को कुछ बांट मुट दिया, पूरी जनता को थोड़ी बांटते, चंद लोगों को बांट कर टीवी चैनल में कैप्चर करके, पेपरों में कैप्चर करके जनता को दिखा दिया, हाँ बड़ी वाहवाही लूट ली। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से देश नहीं चलाया जा सकता और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। सरकार को क्या आज जो है जनता इतनी महंगाई की मार से झेल रही है, नहीं तो हर जनता के जेब में पैसे रहा करते थे, जब से नोटबंदी हो गई है तब से आज के डेट में लोगों के जेबों में पैसे नहीं रह गए, स्त्रियों के पर्स में पैसे रहते थे, आज वो भी बेचारों के पर्स खाली पड़े हैं। और क्या कहें, कोरोना पे तो देखिए ऐसा है, ईश्वर की कृपा हुई, मां नर्मदा की कृपा हुई, शांत हुआ कोरोना, लेकिन फिर से कोरोना का आगमन होने लगा है केरल के तरफ से। तो सभी जबलपुर वासियों से सावधान रहने की अपील करूंगी और अपना मास्क और अपना हाथ धोना, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को भी और घर के सभी लोगों को भी सलाह दें और उनको पालन करवाएं, यही मेरा निवेदन है सबसे। जबलपुर में किन्नरों का जो विवाद चल रहा है उसको क्या कहेंगे? किन्नरों का विवाद तो देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी विवाद जो है जात को लेकर है भाई, जो इस समुदाय के लोग हैं वो लोग, वो हमारे हिंदू घर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे हिंदू घर को खंडित कर देते हैं। जैसे मुसलमान किन्नर है, वो मुसलमान किन्नर हिंदुओं के घर में जाते हैं तो हिंदुओं का घर पूरा खंडित हो जाता है, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं तो सभी जबलपुर वासियों से कहूंगी कि
पाप का भागी ना बने और इनसे दूरी बना के रखे। जो हिंदू किन्नर है उन्हीं को बधाई दे, जैसे हमारी संतोषी माता है वो हिंदू किन्नर है, जात की सिंधी है, वो ठीक है। बाकी और जो लोगों ने नाम बदल बदल कर इनके वोटर आईडी वगैरह सब चेक करेंगे, पिन आधार कार्ड चेक करेंगे तो नाम बदल दिए कितनों ने, कहीं किसी ने राधा रख लिया किसी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जयपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।